हेलो व्यूअर्स, मैं शिबू एंड वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एक्वेरियम हॉबी। तो आज फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे प्लांटेड टैंक का सॉइल रेडी कर सकते हैं आप एकदम जीरो कॉस्ट में। आपका ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। आप चाहे तो डायरेक्टली आपका एक्वेरियम का बेस में ये सॉइल रेडी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा मिट्टी के पॉट ले लीजिए। ये है एक मिट्टी के पॉट, मैं इसमें सॉइल रेडी करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप भी ऐसा मिट्टी के पॉट लेके एक्वेरियम में आपका जो प्लांट का जो सॉइल है वो रेडी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं कि कैसे एकदम जीरो कॉस्ट में एक्वेरियम का एक्वाटिक प्लांट का जो सॉइल होता है वो सॉइल रेडी कर सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको, आप अगर चाहते हैं कि आपका एक्वेरियम का बेस में आप एक्वेरियम का सॉइल रेडी करेंगे, तो आप डायरेक्टली ये सब एक्वेरियम का बेस में आप डाल सकते हैं। नहीं तो आप एक ऐसा पॉट ले लीजिए, मिट्टी का पॉट, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपका एक्वेरियम का हिसाब से आप ले सकते हैं। ये देखिए, आपको चाहिए ये गार्डन सॉइल, ये आपको आपका घर पर ही मिल जाएगा। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये गार्डन सॉइल, ये है आपका एकदम छोटा वाला जो स्टोन चिप है ना, ये वाला छोटा वाला स्टोन चिप। एंड मैं यहाँ पर यूज करूँगा ये कंस्ट्रक्शन जो सैंड होता है कंस्ट्रक्शन का, ये है कंस्ट्रक्शन का सैंड। ये देखिए, तो इसमें आपका पैसा नहीं लगेगा, ये भी आपको घर में मिल जाएगा। लेकिन ये आपको शायद हो सकता है खरीदना पड़ सकता है, लेकिन ये अगर आपके घर पे है तो खरीदने की जरूरत नहीं है। ये देखिए छोटा वाला एक्वेरियम का जो यूज़ करते हैं ना स्टोन चिप, ये वो स्टोन चिप। एंड आपको ये कंस्ट्रक्शन सैंड कहीं भी मिल जाएगा, कहीं से भी ले लीजिए, ज़्यादा नहीं लगेगा। एंड आप जिस तरह के पौधे चाहते हैं आप खरीद के ला सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लाया है अमेजोन प्लांट है ये बहुत ही हार्ड प्लांट है, एकदम लो टेक प्लांट है ये, इसको उतना ज़्यादा CO2 नहीं लगता है, बहुत अच्छा ग्रो करता है एक्वेरियम में। ये देखिए मैंने बहुत सारे प्लांट लिया है, ये देखिए अमेजोन प्लांट, ये प्लांट में एक्वेरियम में डालूंगा वाला पॉट में सॉइल रेडी करके। तो चलिए अभी दिखाते हैं आपको। पहले आपको ये पॉट ले लेना है, आप डायरेक्टली एक्वेरियम का बेस में भी डाल सकते हैं। इसका अंदर एक छोटा सा छेद है, तो एक छोटा सा पत्थर से मैं इसको जाम कर दूंगा ताकि हमारा जो सॉइल है वो निकल रहे। मैं इसको जाम कर दिया, अभी यहाँ से नहीं निकलेगा। फिर भी यहाँ से हमारा जो सॉइल है वो लीक हो सकता है, इसलिए मैंने एक प्लास्टिक ले लिया हूँ। ये देखिए ये प्लास्टिक, मैं इसके अंदर इसको डाल दूंगा ताकि ये पूरा जाम हो जाए। ऐसे डाल दिए। एंड सबसे पहले आपको ये छोटा वाला जो स्टोन चिप है इसको डालना है, डाल देगा। ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। देखिए पहले मैंने ये छोटा वाला स्टोन चिप था ये मैंने डाल दिया है इसमें। अगर आप एक्वेरियम का बेस में ये सॉइल रेडी कर रहे हैं तो आपको नीचे ये वाला जो छोटा वाला स्टोन का चिप्स है ये देने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसमें जो गार्डन सॉइल है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो एकदम नीचे अगर आप एक्वेरियम का बेस में आपका सॉइल रेडी कर रहे हैं तो ये एकदम नीचे आपका ये स्टोन चिप्स नहीं देना पड़ेगा, आपको ये मिट्टी देना पड़ेगा। गार्डन सॉइल जो होता है ये मिट्टी आप दे सकते हैं। तो चलिए, मैंने पॉट में रेडी कर रहा हूँ इसलिए मैंने इसमें पहले स्टोन चिप्स डाल दिया है, अभी मैं इसमें डालूंगा गार्डन सॉइल। तो चलिए डालते हैं गार्डन सॉइल। ज्यादा नहीं देना है आपको, क्योंकि इसके
उसके ऊपर हम डालेंगे कंस्ट्रक्शन सैंड। काफी है तो हमने डाल दिया है इसमें गार्डन सॉइल डाल दिया है। पहले मैंने डाला है ये छोटा वाला स्टोन चिप्स एंड दूसरे लेवल में मैंने डाला है ये गार्डन सॉइल एंड तीसरे वाला लेवल में मैं इसमें डालूंगा कंस्ट्रक्शन सैंड। देखिए कंस्ट्रक्शन सैंड मैं डाल दूंगा इसमें अच्छे से ताकि हमारा जो मिट्टी है वो पानी में मिल ना जाए, इसलिए कंस्ट्रक्शन सैंड से पूरा एकदम जाम कर देंगे इसको। ये देखिए ये पॉट अभी पूरा भर चुका है, अच्छी तरह से जाम करना है इसको ताकि हमारा जो गार्डन सॉइल है वो निकल ना जाए। एंड बाद में ये रेडी करने के बाद आप लोग इसमें रूट टैबलेट या प्लांटेड टैंक जो है वो डाल सकते हैं, आपका प्लांट और भी अच्छे से ग्रो करेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अगर प्लांटेड टैंक करना चाहते हैं तो उसमें लाइट थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का डालिए, तभी आपका प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करेगा। लाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब लो टेक प्लांट है, ये अमेजोन प्लांट लो टेक प्लांट है तो ये आराम से हो जाएगा, लेकिन इसमें लाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अच्छे क्वालिटी का अच्छे पावर का लाइट नहीं यूज़ करोगे तो आपका प्लांट का ग्रो नहीं होगा एंड आपका प्लांट मर भी सकता है। ये मैंने डाल दिया है, अभी मैं प्लांट लगाऊंगा इसमें। ये जो मेरा अमेजोन प्लांट है इसको मैं इसमें लगाऊंगा। ये अमेजोन प्लांट आप वीडियो को एकदम एंड तक देखिए, तभी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। एक छोटा सा ऐसे छेद कर लेंगे इसको लगाने के लिए। मैंने ऐसा एक गड्ढा कर लिया है तो इसको अभी हम डालेंगे इसके अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसा नया नया वीडियो अपलोड करूं तो ये वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। एंड इस गड्ढे को अभी हमको बंद कर देना है जो हमारा प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रो कर सके। मैंने इसमें लगा दिया है, इसमें हम और चार पांच प्लांट लगाएंगे। पास में हम और एक गड्ढा करेंगे। इसको भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा, बहुत ही केयरफुली लगाना है ताकि इसका कोई भी ब्रांचेस ना टूट जाए। इसको भी अच्छी तरह से जाम कर देना है ताकि हमारा जो गार्डन सॉइल है वो निकल ना जाए। ये देखिए हमारा प्लांट अभी रेडी हो चुका है एक्वेरियम में जाने के लिए। एंड इसके ऊपर हम डालेंगे ये स्टोन चिप्स ताकि हमारा जो सैंड है ये बाहर ना आ जाए। बहुत केयरफुली आपको ये जो स्टोन चिप्स है इसको हर तरफ एकदम फैला देना है ताकि हमारा जो सैंड है वो निकल ना जाए। एंड देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखिए ऐसे ही आपको ऊपर में एकदम ऊपर के लेवल में ये जो छोटा वाला स्टोन चिप्स है इसको डाल देना है। तो अभी हमारा प्लांट हो चुका है रेडी एक्वेरियम में जाने के लिए। ठीक है, मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूँ प्रोसेस। अगर आप ऐसे पॉट में आपका एक्वेरियम का प्लांट लगा रहे हैं तो पहले आपका जो ये छेद रहता है एक यहाँ पर एक होल रहता है छोटा सा उसको जाम करना है ताकि हमारा सॉइल निकल ना जाए। एंड उसके बाद आपको देना है ये स्टोन चिप्स, उसके बाद आपको देना है ये गार्डन सॉइल एंड उसके बाद आपको देना है ये कंस्ट्रक्शन सैंड एंड उसके बाद आपको
प्लांट को ऐसे लगा देना है एंड उसके बाद आपको फिर से ये जो स्टोन चिप्स है इसको डाल देना है ताकि हमारा जो सैंड है वो निकल ना जाए। ये देखिए अभी हमारा प्लांट एकदम एक्वेरियम में जाने के लिए रेडी हो चुका है। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इस पॉट को रेडी करके इसमें प्लांट लगा के एक्वेरियम में डाल दिया है एंड ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। एंड हमारा जो मिट्टी था वो बाहर नहीं आया है एंड हमारा जो सैंड था वो भी बाहर नहीं आया है। ये देख सकते हैं फ्लोर में कुछ भी नहीं। मैंने इसी तरह से 3 पॉट रेडी किया है एंड एक्वेरियम में डाल दिया है। ये देखिए ये सभी अमेज़न प्लांट है। आपको अगर ये वाला प्लांट्स अच्छा नहीं लग रहा है तो आप किसी और प्लांट भी लगा सकते हैं। बहुत सारे एक्वाटिक प्लांट होते हैं जैसे कि कामाम्बा, बाकोपा, रोटाला, ऐसे बहुत सारा एक्वाटिक प्लांट है। आप लोगों को जो पसंद है आप लोग वो लगा सकते हैं। ये देखिए ये प्लांट कितनी अच्छी तरह से हमारा जो पॉट है उस सॉयल में बैठ गया है। अभी जितना दिन जाएगा इन लोगों का ग्रो होगा एंड मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इन लोगों का ग्रो अप कैसा होता है। एंड प्लांटेड टैंक में लाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो आप लोग अच्छे क्वालिटी का एक लाइट लगा दीजिए तभी आपका जो प्लांट है वो और भी अच्छी तरह से ग्रो अप करेगा। एंड अगर आपकी एक्वेरियम में लाइट नहीं है तो आपका जो प्लांट है ना इसका पत्ता पूरा ख़राब हो जाएगा एंड धीरे धीरे आपका जो प्लांट है वो मर जाएगा। तो प्लांटेड टैंक बनाने की पहले आप ज़रूर एक अच्छे क्वालिटी का लाइट खरीद लीजिए तभी आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा। ये देखिए मैंने 3 पॉट ही लगा दिया है। वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो छोड़ूँ तो वो वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। एंड ये वाला टैंक कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए व्यूअर्स ये वाला वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होगा एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर फिशेस एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड अगर आपका फिशेस का कुछ प्रॉब्लम होता है एंड आपको पता नहीं है कि कैसे ट्रीटमेंट करना है तो आप लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप में मेरा पिंग कर सकते हैं या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे को जितना नॉलेज है मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा एंड कोशिश करूँगा कि आपके फिश बहुत अच्छी तरह से रहे। तो चलिए ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। गुड बाय, जय हिंद।